कंप्लेंट झूठी नहीं है। अरे झूठी है, चलो पांडे जी, जिस औरत को हमने धमकाया ही नहीं है तो कंप्लेंट झूठी ही हुई ना। दिन भर बेचारी जागृति बहन को धमकी देने के बाद कहते हो कि हमने कोई धमकी नहीं दी। जागृति बहन? कौन जागृति बहन? मुझे क्या पता नटू काका। एक मिनट, कहीं ये वो वाले जागृति बहन तो नहीं? कौन से वाले? वो बांधनी वाले। कौन सी बांधनी वाले? अरे सेठ जी, नहीं आप नहीं थे उस दिन। नटू काका याद है, वो कुछ दिन पहले हमारी दुकान से 5 दुकान छोड़ के आगे वो जागृति बहन बांधनी वाले की दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान के सामने वो दिवाली का सारा सब सामान रख दिया था, टूटे फूटे बॉक्स, और हमने उन्हें मना भी किया था कि जागृति बहन ये सब यहाँ नहीं रखने का। हाँ, हमने उसे प्यार से कहा था, धमकाया थोड़ी था। देखो ना, फिर भी उन्होंने हमारी कंप्लेन कर दी। अरे तुम जिस जागृति बहन की बात कर रहे हो ना, वो जागृति बहन ये कंप्लेंट वाले जागृति बहन नहीं है। कंप्लेंट वाले जागृति बहन तो मुंबई के है ही नहीं। तो कहाँ के है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के? हाँ अहमदाबाद। हाँ, लेकिन हम अहमदाबाद के किसी जागृति बहन को नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट क्यों निकाली? अरे वो तो मेरी धर्मपत्नी दया अपने मायके गई है ना, तो उसका मायके से वापस मुंबई लाने के लिए मैंने ये अहमदाबाद की टिकट निकाली। तुमने इतने सारे मैसेज करके जागृति बहन को धमकाया क्यों? चालू जी, पांडे जी, जब हम अहमदाबाद के किसी जागृति बहन को जानते ही नहीं है तो उनको धमकाएंगे कैसे? पांडे जी, जिस जागृति बहन को ये जानते नहीं है, देखा नहीं है, मिले तक नहीं है, उन्हें धमकाने के केस में आप इन्हें अरेस्ट कैसे कर सकते हो? सही बात है। हाँ, आपको नक्की कुछ गलत फहमी हुई है। ठीक है, तो मैं अभी आप सभी की गलत फहमी दूर कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए, अहमदाबाद में हमारे एक सीनियर ऑफिसर है, ACP पृथ्वी सिंह। हमारे पृथ्वी सर बहुत ही बहादुर, ईमानदार और पराक्रमी ऑफिसर हैं। उन्होंने बड़े बड़े गुनहगारों, बदमाशों और आतंकवादियों को पकड़ा है। हाँ, ऑफिसर पृथ्वी सिंह के बारे में तो मैंने भी सुना है। उन्होंने अपने करियर में इतने क्रिमिनल्स को पकड़ा है कि हर जगह उनके दुश्मन। आज तक पृथ्वी सर को इतनी सारी धमकियां मिली हैं, पर वो डरे नहीं, बहादुरी से डटे रहे। चल पांडे जी, ये पृथ्वी सिंह जी ने जो ये बड़े बड़े काम किए उसके लिए उनको हमारा सैल्यूट है। लेकिन उनका ये अहमदाबाद वाले जागृति बहन से क्या संबंध? बहुत ही गहरा संबंध है। हमारे ACP सर पृथ्वी सिंह जी जागृति बहन के हस्बैंड हैं। तो अरे तो क्या, वही जागृति बहन जिनको तुमने धमकी भरे मैसेज भेजे, धमकी भरे मिस कॉल किए, धमकी भरे मिस कॉल। अरे इतने सारे तुम लोगों ने मिस कॉल किए तो वो डर गई। चलो पांडे जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? जब हम ये अहमदाबाद वाले जागृति बहन को जानते नहीं है, उनका फोन नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम उनको फोन और मैसेज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तुम लोगों के सारे धमकी भरे सबूत मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमारे पास धमकी के सबूत हैं। सबूत?
हाँ हाँ सबूत सबूत एविडेंस प्रूफ प्रूफ तिलीहू पुरावा सबूत सबूत। अरे लेकिन चालू जी पांडे जी हमने जागृति बहन को फोन मैसेज कुछ किया ही नहीं है तो आपके पास सबूत कहाँ से आया? ये सेठ जी कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने हमारे नाम से ये जागृति बहन को इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए हो? हाँ ऐसा हो सकता है। अरे हो सकता है कि ऐसा ही हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी और ने तुम्हारे नाम से जागृति बहन को नहीं धमकाया है और तुम्हारे नाम से जागृति बहन को कोई धमकाएगा क्यों? तुम हो कौन? कुछ सेलिब्रिटी हो क्या? एक मिनट पांडे जी, आप सबूत की बात कर रहे थे तो क्या सबूत है आपके पास कि इन तीनों ने ही वो जागृति बहन को धमकाया है? चाचा जी इन तीनों ने जो जागृति बहन को मैसेज और फोन कॉल किए ना उसके रिकॉर्ड है हमारे पास। बहत्तर कॉल है और कितने मैसेजेस हैं पाटिल? सॉरी सर गिने नहीं। क्यों नहीं गिने? सर गिनने की बहुत कोशिश की लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली के बहुत मैसेज थे तो फिर काउंटिंग मिस हो जाती थी, फिर से गिनना पड़ता था तो फिर मैंने गिनना ही छोड़ दिया। फिर भी कितने मैसेजेस थे? बहुत हैं। बहुत मतलब 50-60 तो होंगे ना? हाँ सर। हाँ 72 कॉल और 50-60 मैसेजेस थे और सिर्फ मैसेजेस नहीं ऑडियो मैसेज भी किए हैं। ऑडियो मैसेज समझते हो? तुम्हारी खुद की आवाज में किए गए मैसेज का रिकॉर्ड है हमारे पास। पक्के सबूत है तुम्हारे खिलाफ जिसे देखकर कोर्ट तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। जेठालाल मेरी मानो तो अपनी दुकान किसी और के नाम कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम अब सालों तक बाहर रह पाओगे। अरे अरे ये दिवाली के दिन क्या हो गया? नहीं मैं जरा जाए डलल अभी न जाने कितने साल तक वो दिवाली जेल में मनाएगा। जेठालाल सच सच बताओ तुमने जागृति बहन को इतने कॉल और मैसेजेस क्यों किए? क्या तुम्हें किसी ने उनके नाम की सुपारी दी है? अरे हमें कोई सुपारी क्यों देगा? हमारे पान की दुकान भी नहीं है और ना ही हम गुंडे हैं। तो फिर तुमने बिना स्वार्थ के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस जागृति बहन को क्यों किए? क्या मोटिव था तुम्हारा? मैं आपको कितनी बार कहूं चालू जी पांडे जी हम जागृति बहन को जानते तक नहीं तो उनको फोन मैसेज क्यों करेंगे? मतलब तुमने जागृति बहन को फोन और मैसेजेस नहीं किए? नहीं। अच्छा जब तक मेरा फोन नहीं उठाओगे तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। फोन उठाओ मुझे जवाब दो मुझसे बात करो। अरे कब तक भागोगे? ज्यादा नाटक नहीं चलेगा मुझे जवाब देना ही होगा। तेरा मुझसे बचना मुश्किल है अगर मुझे जवाब नहीं दिया तो मामला अदा कर तेरी अक्कल ठिकाने लगाऊंगा। ये मैसेज तो मैंने सुंदर को किया था। चालू जी पांडे जी एक मिनट अभी दूसरा बाकी है। मुझे फौरन फोन करो अगर अब फोन नहीं किया तो मैं ठोस कदम उठाऊंगा। बरो ये क्या है? अरे एक मिनट एक मिनट दूसरा भी सुन लो। जल्दी सेठ जी को जवाब दो वरना अब सेठ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब उनके सामने नहीं आए और उनको जवाब नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा सेठ जी। ये तो
अरे ये तो वो तो थाम्बा, अभी तो काका की परफॉर्मेंस बाकी है। काका? हाँ हाँ लगे हाथ वो भी सुनाई दीजिए। लो ये भी सुन लो। अब जल्दी से फोन उठाकर सेठ जी से बात करो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। काका? अभी जो मैंने तीन मधुर आवाजें सुनाई वो आवाजें आप लोगों की हैं। हम तीनों की ही है। हमारी है। हमारी है। बस 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 बस। चिटावरा ये तो तोड़े खिलाफ पक्का प्रूफ है। हाँ चेटाला तुम तीनों ने मिलकर इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की वाइफ को धमकी दी। जेठा भाई ये तो गलत बात है। जेठिया ये है मेरे संस्कार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर सकता है। कर सकता नहीं चाचा जी, आपके लाडले सुपुत्र ने किया है। अभी आपने सुना ना? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्यों? क्योंकि इस बार आप किसी गोकुलधाम वाले को गिरफ्तार करने में फेल नहीं होंगे। यस। अरे फेल नहीं होंगे नहीं पटेल भाई, फेल हो चुके हैं। फेल हो गया क्या मतलब है? मतलब ये चालू जी पांडे जी कि पूरा का पूरा केस गलत फहमी का है। एक गलत फहमी नहीं है, पानी के जैसा क्रिस्टल क्लियर केस है। आपका पानी डोड़ा ही गया है। डोड़ा ही गया मतलब? मैं समझाता हूँ आपको बापू जी। बीड़े मेहता साहब, पोपट लाल, हाथी भाई, चोटी दोढ़ी, अपना सॉरी अय्यर भाई, आप सब सुनिए, सब सुनिए। जो चालू पांडे जी जो कह रहे कि हमने 72 फोन और ढेर सारे मैसेज, उसमें से कई मैसेज वो हमारी आवाज वाले भी आप लोगों ने सुने। चालू जी पांडे जी जो जो कह रहे सब सही है, सारे फोन मैसेज सब हमने किए, आवाज भी हमारी ही है। देखा देखा। चालू जी मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट। तो मैं ये कह रहा था कि वो सब हमने किए फोन मैसेज, आवाज भी हमारी है, लेकिन ये सारे फोन मैसेज हमने जागृति बन को नहीं किए, ये सब मैंने मेरे साले सुंदर को किए। वाह, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले लाल ड्रेस वाली का झूठ बोला, फिर बगल की दुकान बांधनी वाली जागृति बहन का झूठ बोला, अब सुंदर का झूठ बोला, सब बहाना बना रहा है ये। अरे ये झूठ नहीं है चालू जी पांडे जी, ये सच है। हाँ सच है। हाँ सच है। चलो एक पल के लिए मान लेता हूँ कि तुमने ये सारे कॉल और मैसेजेस सुंदर को किए, तो ये कॉल और सारे मैसेजेस जागृति बहन के फोन पर कैसे आ गए? मैं समझ गया पांडे जी, क्रॉस कनेक्शन। सॉरी क्रॉस कनेक्शन तो हमारे जमाने में हुआ करता था, आज के जमाने में नहीं। अरे होता है पीड़ू। अरे नहीं मुझे नहीं लगता क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। पीड़ू मेरा कई बार क्रॉस कनेक्शन में फोन लग गया है। ऐसे कैसे लग गया? क्रॉस कनेक्शन जब भी होता है ना तो ओ ज्ञान के सागर, क्रॉस कनेक्शन कॉल में हो सकते हैं, मैसेजेस में कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? अगर टेक्नोलॉजी की वजह से फेक ऑडियो और वीडियो बन सकते हैं तो मैसेज में भी क्रॉस कनेक्शन करवाया जा सकता है। सही बात है, हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ये मुद्दा आज के जमाने में बहुत ही सीरियस है, लेकिन जो आपके ये साथी हैं और हमारे अपराधी हैं, उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि ये आवाज उन्हीं की है, उन्होंने ही सारे फोन और ये मैसेजेस किए हैं। चालू जी पांडे जी वो तो हम अभी भी कह रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सारे फोन सारे मैसेज वो सब हमने ही किए, लेकिन
ये सब फोन हमने जागृति बहन को नहीं किए, मेरे साले सुंदर को किए हैं। अभी ये सारे फोन और मैसेज जागृति बहन के मोबाइल में कैसे पहुंचे वो आप ढूंढिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। जेठालाल तुम इस केस को क्या मजाक समझ रहे हो? तुम लोगों पर बहुत ही गंभीर केस लगा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी को कई मैसेजेस और धमकी पर एक कॉल, मतलब मेंटल टॉर्चर का केस बनता है, समझे? और इन सारे मैसेजेस और कॉल्स के सबूत हैं हमारे पास। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सुंदर को जिस नंबर पर कॉल कर रहे थे वो नंबर जागृति बहन का है? नहीं भाई नहीं, ये नंबर सुंदर का ही है भाई। कई बार सुंदर ने मुझे इस नंबर से फोन किया है और मैंने भी कई बार सुंदर को इसी नंबर पर फोन किया है। तो फिर सुंदर की बजाय जागृति बहन को कैसे कॉल लगे और मैसेज पहुंच गए? सेठ जी, मैं समझ गया क्या गड़बड़ हुई है। क्या? 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 सुंदर भाई ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है और अब मोबाइल कंपनी वालों ने ये मोबाइल नंबर जागृति बहन को बेच दिया है। पॉसिबल है? इसका मतलब ये कि हम सुंदर भाई का नंबर समझकर जागृति बहन को फोन पर फोन और मैसेज पर मैसेज कर रहे थे। हाँ नटू काका। और सेठ जी, उस जागृति बहन के पास हमारे नंबर तो सेव्ड होंगे नहीं, और उनको लगा होगा ये कौन लोग है जो मुझे अननोन नंबर से इतने सारे मैसेजेस और कॉल करके धमकियां दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम पे केस कर दिया। तुझे पता नहीं था कि सुंदर ने नंबर बंद कर दिया है? नहीं बापू जी, अगर पता होता तो मैं थोड़ी इतने धमकी भरे फोन और मैसेज करता। अरे पर तुम अपने साले को धमकी क्यों दे रहे थे? अरे वो क्या हुआ, मेरी पत्नी है दया, वो काफी टाइम से मायके में। अरे बीवी मायके में है तो अपने साले को धमकी क्या दे रहे हो? ये तो अच्छी बात है। मैंने तो बासुंदी को कई बार कहा है कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आओ पर वो जाती ही नहीं। नहीं, आपके लिए अच्छी बात होगी, मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। चालू पांडे जी, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या भाई, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मतलब मैं अपनी बासुंदी से प्यार नहीं करता? सॉरी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था चालू जी। सॉरी पांडे जी, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल ही नहीं था। हम सब अपनी अपनी पत्नी, मतलब जिसके भी पास पत्नी है सब अपने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मेरा मतलब मैं अपने साले को क्यों धमका रहा था, मतलब धमकी भरे फोन कर रहा था, वो सुनिए ना प्लीज। हाँ सुन लीजिए। काफी टाइम से मेरी पत्नी मायके में है, तभी इस बार उसने मुझसे वादा किया था, वचन दिया था कि इस दिवाली में, दिवाली के दिन मेरी पत्नी दया यहाँ मुंबई आ जाएगी, मतलब वो लेके आएगा और हमारे घर में दिवाली का दिया उसके हाथों ही प्रज्वलित होगा। दया बहन प्रज्वलित करेंगे? तभी मैंने आज इसलिए उसको फोन किया सुबह सुबह, ये जानने के लिए भाई वो लोग कल कैसे आ रहे, प्लेन से आ रहे, ट्रेन से आ रहे, वो जानने के लिए फोन किया, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि ये बात है। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं। फिर भी अगर हमारी वजह से पृथ्वी सिंह जी या जागृति बहन के दिल को ठेस पहुंची है, उनको दुख लगा है, तो हम तहे दिल से उनसे माफी मांगते हैं। हाँ जी, बराबर ना? अरे तो मांगो ना। हाँ, क्या कर रहे हो? माफी, उनसे माफी मांगते हैं। माफी मांगे, वो सब बराबर है, पर अगर मैं चाहूं भी तो मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट गुजरात में हुई,
मुझे इंस्ट्रक्शन है कि तुम लोगों को गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस को हैंडओवर करना है। दोस्तों मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आप में से किसी की भी किस्मत जेठालाल जैसी है तो प्लीज मुझे उसे सुधारने का उपाय बताइए। या जेठालाल ने जिस फोन नंबर को सुंदर का फोन नंबर समझा उस पे बार बार कॉल्स किए, कड़क कड़क मैसेज भेजे, दरअसल वो नंबर एक पुलिस ऑफिसर के बीवी का फोन नंबर निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? जवाब एक ही है कि मुझे पता नहीं और किसी को पता नहीं। इसे कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं लेकिन ग्लास तोड़ा बार आना। मेरा परम मित्र जेठालाल अहमदाबाद जाकर दया भाभी को लाने के सपने देख रहा था लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अहमदाबाद से पुलिस उसे लेने आएगी। वो क्या है ना, जेठालाल जो सोचता है उससे बिल्कुल विपरीत होता है। वैसे एक बात कहूं, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं, आप बस आराम से बैठिए और हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।